इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के लिए अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि बीमारी और फैलती है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। दिल्ली से मजदूरी करने वाले जब अपने गांव आए तो उन्हें जांच के लिए बरुआ सागर अस्पताल लाया गया, जहां सुविधाएं न होने पर उन्हें झांसी मेडिकल भेजा गया। आपको बता दें कि बुंदेलखंड काफी पिछड़ा क्षेत्र है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में मजदूर काम की तलाश में पलायन करके दूसरे प्रांतों में जाते हैं। कोरोना के खतरे को भांपते हुए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में बेरोजगार हुए लोग अपने अपने घर पहुंच रहे हैं, लेकिन बाहर से आए लोगों की जांच के लिए ग्राम प्रधान व क्षेत्रीय पुलिस उन्हें जांच के लिए अस्पताल भेज रही है। लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की भी उचित व्यवस्थाएं नहीं है। आज सुबह जब बरुआ सागर क्षेत्र के ग्राम तेंदोल में कुछ मजदूर दिल्ली से लौटे थे और प्रधान को इसकी सूचना मिली, तो प्रधान ने दिल्ली से लौटे सभी मजदूरों को जांच के लिए बरुआ सागर स्वास्थ्य केंद्र भेजा। लेकिन अस्पताल में ना तो उन लोगों के लिए मास्क थे और ना ही सैनिटाइजर। मजदूरों को एहतियात बरतते हुए अस्पताल के बाहर ही बिठा दिया गया। तेंदुली से अभी हाल अभी इससे पहले कहाँ से आए? दिल्ली गए थे काम करने, पालम बिहार। पालम बिहार, वहाँ से कब लौटे हैं? 21 तारीख को। 21 तारीख को लौटे हैं। क्या आपने स्क्रीनिंग कराई या कोई टेस्ट कराया? हमने कुछ नहीं किया। किसी से संपर्क किया आपने? अपने गांव के प्रधान से संपर्क किया किसी से? कोई संपर्क? हमें तो प्रधान ने बताई कि आप जो दिल्ली से आए हैं, थाने से खबर आई है, तो आप अस्पताल जाइए। थानेदार ने हमें खबर करी कि आप अस्पताल में आओ, वो हमें नंबर लगाओ, वो डॉक्टर साहब से चेकअप कराओ। यहाँ पे जबकि ऐसी कोई सुविधा नज़र नहीं आ रही, फिर क्या करेंगे आप? तो अब हम क्या कर दें? अब सरकार समझे इस चीज़ को। तो वहीं जब हमने अस्पताल के चिकित्सक से बात की तो उन्होंने बताया कि इस तरह की जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी को जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क व सैनिटाइजर की कमी होने की वजह से उन्हें यह सामग्री नहीं मिल पा रही है। हालांकि हमने पाया कि अस्पताल के सभी डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आए हुए हैं, ये लगभग पता चला कि अंदर गाँव से आए हैं, इसमें आपका विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? कौन लोग हैं ये? ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, दिल्ली से आए हैं और एक ही जगह के रहने वाले हैं, तेंदोल ग्राम के रहने वाले हैं। तो चूंकि दिल्ली से आए हैं तो सस्पेक्टेड केस हैं, हो सकता है ये कैरियर बन के आए हों या फिर खुद संक्रमित हो गए हों, तो इसके लिए इनकी स्क्रीनिंग की बहुत आवश्यकता है। चूँकि स्क्रीनिंग प्राथमिक स्वास्थ्य लेवल पर नहीं होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, इसलिए इनको गाड़ी की व्यवस्था करके 108 से स्क्रीनिंग के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। सर, जैसे पता चला है कि आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, इसके लिए प्रशासन के लिए क्या आपने लिखा है, वो क्या कर रहा है? शुरुआत में मास्क उपलब्ध कराए गए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए, हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। चूँकि अब मास्क की उपलब्धता कम है, CMO लेवल पर भी नहीं है, तो हमने लिखित में कहा है उनसे, उनने अभी डिमांड भेजी है, तो जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। जैसा कि जानकारी मिली है, OPD के क्या हाल है? मतलब OPD के आप देख रहे हैं या शासन के आदेश पर नहीं? शासन के आदेश के अनुसार OPD बंद कर दी गई है, केवल इमरजेंसी मरीज जिनको खांसी जुकाम तेज बुखार दस्त लगना ऐसी समस्याएं, और इसके अलावा कोई इमरजेंसी जो बहुत ज़रूरी है उनको इलाज करना, ऐसे मरीजों को देखा जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उनको रेफर किया। कोरोना वायरस को लेकर जितनी संजीदगी दिखाई जानी चाहिए, आज मैं बरुआ सागर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर खड़ा हुआ हूं, यहां पे ज़मीनी हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं ये सामने इतने लोग बैठे हुए हैं, ये ग्राम तेंदोल से हैं, ये दिल्ली पालमपुर से आए हुए हैं, पहले वहाँ पर काम करते थे, ये वहाँ से आए हुए हैं। तो बरुआ सागर थाना प्रभारी द्वारा इनको सूचना दी गई, ग्राम प्रधान के माध्यम से सूचना दी गई कि आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाके यहाँ की स्क्रीनिंग कराइए, यहाँ पे टेस्ट कराइए। जब ये लोग आते हैं तो इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग, मास्क या किसी भी प्रकार की कोई जाँच की व्यवस्था ही नहीं है। अब इन लोगों का कहना है कि मुझे गाँव से तो भेज दिया गया, लेकिन हम कहाँ जाएँ, कैसे जाँच कराएँ, ये इन चीज़ों के लिए नहीं है। हालाँकि जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ से झांसी भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इनके साथ कब तक इनकी जांच के पर पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लोग आए हैं दिल्ली से आए हैं, इनके लिए यहाँ से जैसे स्क्रीनिंग आपने बताया, मास्क वगैरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं CMO ऑफिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर रहा हूँ, वहाँ से गाड़ी आएगी, हम लोग गाड़ी व्यवस्था करेंगे यहाँ से, तो इनको वहाँ भेजेंगे सीधे CMO ऑफिस या
डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। जहाँ तक डॉक्टर साहब का कहना है, चूँकि यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल रूम से इन लोगों को भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि स्टाफ तो यहाँ पे पूरा सजग नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक ज़मीनी जो तामझाम है, जो सिस्टम होना चाहिए, जो आवश्यक वस्तुएँ होनी चाहिए, वो यहाँ पे ऐसी कोई मौजूद नज़र नहीं आ रही है। न्यूज बीके से बरुआ सागर के लिए आनंद। एजुकेशन विथ मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विथ ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, Science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.